ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी की कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक, फोर्टेस्क्यू मेटल्स ग्रुप और ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ से की मुलाकात। सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी का आज मेगा कार्यक्रम, ओलंपिक पार्क में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को करेंगे संबोधित, ऑस्ट्रेलियाई पीएम भी रहेंगे मौजूद। हैरिस पार्क का नाम बदलकर किया जाएगा लिटिल इंडिया, हैरिस पार्क इलाके में बड़ी संख्या में रहते हैं भारतीय समुदाय के लोग। ऑस्ट्रेलिया अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी का बयान, कहा ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन, फिल्म पर्यटन को लेकर भी होगी बैठक। नए संसद भवन की सियासत पर राष्ट्रपति ने लगाया विराम, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चाहती हैं कि पीएम मोदी ही करें नए संसद भवन का उद्घाटन। पटना में 26 मई को हो सकती है विपक्षी एकता को लेकर बैठक, राहुल गांधी शरद पवार उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं के शामिल होने की संभावना। राहुल गांधी की विदेश यात्रा से पहले होगी विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक, जगह और तारीख का ऐलान जल्द। विपक्ष को एकजुट करने में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद खड़गे का ट्वीट, कहा अब एकजुट होगा देश, लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश। आज कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलेंगे दिल्ली सीएम केजरीवाल, दोनों नेता दोपहर 3:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल के कोलकाता दौरे पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का तंज, भ्रष्टाचारियों के गठबंधन के अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी और केजरीवाल, जल्द आएगा वन नेशन वन पुलिस का कानून। सुशील मोदी का बिहार सीएम नीतीश कुमार पर आरोप, नीतीश ने किया भ्रष्टाचार से समझौता, केजरीवाल का साथ देने पहुंचे दिल्ली। शरद पवार ने खुद को पीएम पद की रेस से किया अलग, बोले स्थिर सरकार देने के लिए सभी को एक साथ लाने की करूंगा कोशिश। शरद पवार ने की राहुल गांधी की तारीफ, कर्नाटक चुनाव के नतीजे से राहुल की यात्रा का असर साबित हुआ। राजस्थान के हालात को लेकर कांग्रेस में मंथन, आज और कल दिल्ली में होगी अहम बैठक, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। देश भर के बैंकों में आज से शुरू हो जाएगा 2,000 रुपए के नोटों का एक्सचेंज, आरबीआई ने जारी की गाइडलाइंस, नोट बदलने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। दिल्ली में गर्मी के मार, नजफगढ़ में पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, मौसम विभाग के मुताबिक आज भी लू का अलर्ट। उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी हीट वेव का अलर्ट, कल से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने के आसार। राजस्थान में हीट वेव के बीच बारिश आंधी का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत, जयपुर भरतपुर जैसे हिस्सों में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुई जमकर बारिश, बीच रोड के आसपास के इलाकों में बरसा पानी। मणिपुर के इंफाल में फिर भड़की हिंसा, सूत्रों के मुताबिक खाली घरों में हुई तोड़फोड़ और आगजनी, सेना ने 3 संदिग्धों को पकड़ा। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम सबसे ऊपर, एनआईए की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने किया खुलासा, सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर समेत 10 नाम भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल से पूछताछ, ईडी ने किए सवाल जवाब, 9 घंटे से ज्यादा देर तक हुई पूछताछ। समीर वानखेड़े को सीबीआई का समन, कल होगी पूछताछ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया की आज पेशी, राउज एवेन्यू कोर्ट में होंगे पेश। यूपी के जौनपुर में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट के दौरान बदमाश ने की फायरिंग, पुलिस ने गोली चलाने वाले को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग, अज्ञात कारणों के चलते हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के पोर्ट खुर्द इलाके में प्लास्टिक वेस्टेज गोदाम में लगी आग, 12 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में कार सवार और बाइक चालक के बीच विवाद, एक ने पिस्टल और दूसरे ने तानी राइफल, सामने आया वीडियो, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बारामंकी में वन विभाग ने किया डॉल्फिन का रेस्क्यू, शारदा नहर से 72 घंटे बाद किया गया रेस्क्यू, वन विभाग ने डॉल्फिन को घाघरा नदी में छोड़ा। कौशाम्बी में ईंट भट्टा मालिक ने मजदूर को बुरी तरह से पीटा, मजदूरी मांगने पर की पिटाई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में फंसा युवक, हरिद्वार पुलिस के गोताखोर ने बचाई युवक की जान। अलीगढ़ में पेपरमैन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मशीन से निकली चिंगारी से हुआ हादसा, 4 बुरी तरह से झुलसे, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में बिना हेलमेट के स्कूटी चलाना, दुल्हन को पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, काटा 15,000 से ज्यादा का चालान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में करोड़ों की ड्रग्स बरामद, बाइक सवार 4 बदमाशों से पकड़े गए ड्रग्स, पुलिस ने बाइक को जब्त किया, हिरासत में लिए गए बदमाश।
औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, सर्च ऑपरेशन में 49 कंटेनर बम, 11 डेटोनेटर्स बरामद। बलिया में गंगा नदी में नाव पलटने से हादसा, 3 महिलाओं की मौत, 4 लोग बुरी तरह से घायल, नाव पर सवार थे 30 से ज्यादा लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया, आरोपी से फर्जी आधार कार्ड बरामद, लोगों को डराकर करता था पैसों की वसूली। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ T7 की मौत, फील्ड डायरेक्टर के मुताबिक आपसी संघर्ष में हुई मौत। यूपी के हरदोई में 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म, घर के बाहर से हुआ था बच्चे का अपहरण, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। अलीगढ़ में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा, होटल में चलाया जा रहा था रैकेट, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूटपाट, बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट को दिया अंजाम, सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में मोबाइल टावर से बैटरी की चोरी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, 44 बैटरियों के साथ एक अवैध पिस्टल बरामद, जारी है पूछताछ। मथुरा में 2 दोस्तों के बीच मामूली बात पर हुआ विवाद, बदमाश ने अपने दोस्त की गोली मारकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, कार सवार बदमाशों ने अगवा कर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बयान, बोले लाहौर कोर कमांडर के घर पर हमला पीटीआई के खिलाफ एक साजिश, इसका कोई सीसीटीवी वीडियो नहीं। लाहौर हाईकोर्ट से इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को राहत, जमानत को मिली मंजूरी। रूस के बेलगोरोड इलाके में उठता दिखा धुआं, यूक्रेन की सीमा के पास का है इलाका, स्थानीय गवर्नरों का दावा, यूक्रेन से कई लोग सीमा में घुसे। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, जेवलिन थ्रो वर्ल्ड रैंकिंग में बने नंबर 1 एथलीट। जी न्यूज़।